कर्ण सूर्यापुत्र, एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता और त्याग की गाथा आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। महान योद्धा, जन्म से ही त्यागा हुआ। उसकी कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे जन्म के तुरंत बाद ही त्याग दिया गया था, लेकिन उसकी किस्मत में महानता लिखी थी, लेकिन कवच और कुंडल से सजा हुआ। ये कवच और कुंडल उसे एक विशेष पहचान देते थे जो उसे अन्य सभी योद्धाओं से अलग बनाते दे। ये कवच और कुंडल कोई साधारण आभूषण नहीं दे, ये दिव्य सुरक्षा कवच थे जो उसे हर प्रकार के खतरे से बचाते थे। ये थे दिव्य सुरक्षा कवच। इनकी चमक और शक्ति अद्वितीय थी जो किसी भी योद्धा के लिए एक सपना होती। कर्ण के जन्म के साथ ही ये कवच और कुंडल प्रकट हुए। ये दिव्य आभूषण उसके जन्म के समय से ही उसके साथ थे, जैसे कि वे उसकी नियति का हिस्सा हो। सूर्यादेव की कृपा थी ये। सूर्यादेव ने स्वयं उसे ये दिव्य कवच और कुंडल प्रदान किए थे जो उसकी सुरक्षा के लिए थे। इनके रिहते कर्ण अजय था। कोई भी योद्धा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे पराजित नहीं कर सकता था। कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसकी सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि कोई भी हथियार उसे छू भी नहीं सकता था। कर्ण की कहानी वीरता और त्याग की कहानी है। उसने अपने जीवन में कई बार अपने मित्रों और परिवार के लिए बलिदान दिया। दुर्योधन का मित्र, पांडवों का भाई, उसकी मित्रता और भाईचारे की कहानी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी वीरता की। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसकी किस्मत में संघर्ष और चुनौतियां भरी हुई थीं, जो उसे एक महान योद्धा बनाती हैं। आइए जानते हैं कर्ण के कवच और कुंडल की अद्भुत कहानी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक योद्धा ने अपने जीवन में हर चुनौती का सामना किया। महाभारत के युद्ध में इनकी क्या भूमिका थी। इस युद्ध में कर्ण ने अपनी वीरता और त्याग से एक अमिट छाप छोड़ी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता और त्याग क्या होते हैं। कर्ण को ये दिव्य कवच और कुंडल क्यों मिले, क्या था इनका रहस्य। इन दिव्य वस्त्रों की कहानी बहुत पुरानी है जो हमें महाभारत के युग में ले जाती है। कहते हैं कि ये कवच और कुंडल सूर्यादेव ने स्वयं बनाए थे। सूर्यादेव, जो प्रकाश और जीवन के देवता हैं, ने अपने पुत्र कर्ण को ये दिव्य उपहार दिए थे, ये अमरता का वरदान दे। इन कवच और कुंडल के रहते कर्ण को कोई भी शत्रु पराजित नहीं कर सकता था। ये कवच और कुंडल कर्ण को अद्वितीय शक्ति और सुरक्षा प्रदान करते थे। इनके रहते कोई भी योद्धा कर्ण को पराजित नहीं कर सकता था। कर्ण ने इन दिव्य वस्त्रों के साथ कई युद्ध लड़े और हर बार विजयी हुए। ये दिव्य कवच कर्ण की त्वचा से जुड़ा था। यह कवच उसकी त्वचा का हिस्सा बन गया था, जिससे उसे कोई भी शस्त्र भेद नहीं सकता था। यह उसे हर प्रकार के प्रहार से बचाता था, चाहे वह बाण हो या तलवार। कोई भी हथियार कर्ण को चोट नहीं पहुंचा सकता था। कुंडल उसकी ऊर्जा और शक्ति का स्रोत थे। ये कुंडल कर्ण को अद्वितीय ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते थे, जिससे वह हर युद्ध में अजेय बन जाता था। इन दिव्य वरदानों के साथ कर्ण एक अजेय योद्धा बन गया। उसकी वीरता और शक्ति की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण की कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये मोड़ उसकी नियति का हिस्सा था, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता था। एक दिन इंद्रदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए। कर्ण, जो अपनी उदारता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, ने इंद्रदेव का स्वागत किया। इंद्रदेव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया था ताकि वह कर्ण की परीक्षा ले सके और उसकी महानता को पारख सके। उन्होंने कर्ण से दान मांगा। कर्ण ने बिना किसी हिचकिचाहट के ब्राह्मण से पूछा कि वह क्या चाहते हैं। कर्ण का दिल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था और वह जानता था कि सच्ची वीरता और त्याग में ही सच्ची महानता है। कर्ण ने दान देने का वचन दिया था। उसने ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि वह जो भी मांगेगा उसे वह अवश्य देगा। कर्ण का यह वचन उसकी निष्ठा और साहस का प्रतीक था। ब्राह्मण रूपी इंद्र ने कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग ली। यह सुनकर कर्ण चौंक गया, क्योंकि यह कवच और कुंडल उसे अमरता प्रदान करते थे। लेकिन कर्ण ने अपने वचन को निभाने का निश्चय किया। कर्ण समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने महसूस किया कि यह स्वयं इंद्रदेव हैं, जो उसकी परीक्षा लेने आए हैं। कर्ण ने इंद्रदेव की पहचान को समझते हुए भी अपने वचन को निभाने का निर्णय लिया। फिर भी कर्ण ने अपने वचन को निभाया। उसने अपने वचन को तोड़ने का विचार भी नहीं किया, क्योंकि उसके लिए वचन की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण तय है।
कर्ण ने अपने साहस और निष्ठा का परिचय दिया। उसने अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान कर दिए। कर्ण ने अपने जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तुएं बिना किसी संकोच के इंद्रदेव को सौंप दी। यह कर्ण के त्याग और वीरता का अद्वितीय उदाहरण था। यह जानते हुए भी कि इससे उसकी मृत्यु निश्चित है, कर्ण ने अपने जीवन की परवाह किए बिना अपने वचन को निभाया। यह कर्ण की महानता और उसकी आत्मा की शक्ति का प्रतीक था। उसकी यह कहानी आज भी त्याग और वीरता का प्रतीक मानी जाती है। कर्ण के इस त्याग ने सबको हिलाकर रख दिया। उसकी वीरता और दानवीरता की गाथाएं गाई जाने लगी, लेकिन कर्ण अकेला पड़ गया। उसके पास अब वह दिव्य सुरक्षा नहीं थी। उसे अपनी मृत्यु का आभास होने लगा। फिर भी कर्ण ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसका कर्तव्य क्या है। उसे अपने मित्र दुर्योधन का साथ देना था। कर्ण का जन्म एक सूत पुत्र के रूप में हुआ था। समाज ने उसे हमेशा नीचा दिखाया। उसे राजकुमार होने का सम्मान नहीं मिला, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को अपना मित्र बनाया। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाया। कर्ण अंगराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया को पेड़ पर लटका दिया। अर्जुन ने बाण चलाकर चिड़िया की आंख में निशाना लगाया। द्रोणाचार्य ने कर्ण से भी यही करने को कहा, लेकिन कर्ण ने कहा, मैं इस तुच्छ चिड़िया पर बाण नहीं चलाऊंगा। मेरा लक्ष्य तो कुछ और ही है। महाभारत के युद्ध से पहले कर्ण की माता कुंती ने उससे मिलने का निश्चय किया। उन्होंने कर्ण को सच्चाई बताई। कुंती ने बताया कि कर्ण उनका पुत्र है, पांडवों का बड़ा भाई। लेकिन कर्ण ने इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने दुर्योधन से मित्रता का वचन दिया है। मैं युद्ध में उसका साथ दूंगा। महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों ही महान योद्धा थे। कर्ण ने अपनी वीरता और कौशल से सबको चौंका दिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। यह इंद्रदेव का श्राप था। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने निहत्थे कर्ण पर बाण चला दिया। कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी मृत्यु के साथ ही धरती और आकाश शोक में डूब गए। कर्ण का बलिदान अनुपम था। उसने अपने कर्तव्य और मित्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।